नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लाया हूँ मात्र 55,000 रुपये 55,000 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अच्छी रेंज मिलने वाली है आपको और काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। 55,000 में आपको ये एसरी फिट मॉडल मिलने वाला है। एसरी काफ़ी हैवी है, दो पुट्रेस आपको साथ में मिल रहे हैं मात्र 55,000 रुपये में। और 55,000 रुपीज़ में आपको रिमोट वाली एंट्री मिलेगी, आपको यहाँ पे आप इसको सिक्योरिटी के सारे फंक्शन मिलेंगे, आप विदाउट की भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अंडर सीट स्टोरेज मिलने वाला है और काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। और आपको साथ में आपको 12-12 वाट की 5 बैटरी मिलने वाली है, बट लेड एसिड बैटरी मिलने वाली है। पर इस प्राइस में आपको लेड एसिड बैटरी ही मिलेगी। और 12-12 वाट की अगर 5 बैटरी है तो रेंज भी लगभग, मैंने एक बार टेस्ट करी थी तो लगभग ये 80 से 90 किलोमीटर आपको यहाँ पर चल जाएगा। टॉप स्पीड इसकी 25 भी जाने वाली है। आपको मैं सीट ओपन करता हूं तो आपकी सीट यहीं से होगी, एंटी क्लॉक वाइज आप करेंगे तो आपकी सीट यहां से ओपन हो जाएगी। सॉरी, इसको हम पहले अनलॉक कर लेते हैं। ये आपकी सीट ओपन हो चुकी है, आपको दिखा देता हूं। यहां पे अच्छा खासा आपको यहां पे सीट अंडर स्टोरेज मिलने वाला है, 20 लीटर आपको स्टोरेज मिलने वाला है। एमसीबी आपकी यहाँ पर लगी है, ऑन ऑफ आपको यहाँ से कर सकते हैं। बैटरी आपकी यहाँ पर नीचे फिट रहती है। और वापस से मैं इसको नीचे रखता हूँ, पीछे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ NKE बाइक्स। अगर मैं बात करूं टायर की तो आपको फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ से सर दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा है, टेलीस्कोप सस्पेंशन। टायर आपको 10 इंच के मिलते हैं, 3.00x10, बट टायर आपको C8 के मिलते हैं जूम वाले, और ऑफ रोड आपको मिलते हैं। अगर मैं आपको फ्रंट से इसकी लाइटिंग दिखाता हूं, ये पार्किंग लाइट यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे आपको ये DRL दे रखे हैं, काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे भी आपकी लाइट यहाँ पे जलती है, देखिए ऑल लाइट LED है, पर कुछ ना कुछ बल्ब वाला यहाँ पे लुक आता है। और फुल लाइट ऑन करता हूँ तो आपकी ये वाली लाइट यहाँ पे जलने वाली है इस तरह से। ये देखिए ये आपकी फुल लाइट, मतलब आगे से भी इसका काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे लाइटिंग का मुझे दिख रहा है। अब मैं इसको आपको ये कुछ इस तरह से आपका लुक आता है, पीछे से इसका ये लाइट आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह चलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है NKE बाइक, पॉल्यूशन फ्री ई बाइक। और अब आप देखेंगे इसका डैशबोर्ड, आप ये देखिए इस तरह से कवर डैशबोर्ड है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे 60 वॉट भी लिखे हुए हैं। इसमें आपको पार्किंग मोड तो नहीं मिलेगा, बाकी आपकी जो स्टैंड है इसमें आपको सेंसर है, अगर स्टैंड लगी हुई है तो आपकी गाड़ी आगे रन नहीं होगी। स्टैंड जैसे आप फोल्ड करेंगे ये आगे यहाँ पर रन हो जाएगी। देखिए इसमें आपको 1, 2, 3 मोड्स बता रखे हैं। ये देखिए मोड में चेंज करता हूँ तो यहाँ डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है। देखिए ये देखिए स्पीड आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ट्रिप और ऑडोमीटर इसका ऑटोमेटिक रहता है, बाकी अच्छा विजिबिलिटी है। इंडिकेटर का मैं टर्न करता हूँ यहाँ पे तो वो भी आपके यहाँ पे इस कुछ इस तरह से ब्लिंक होने वाले हैं। और रिवर्स गियर का मोड भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रिवर्स गियर भी इसमें आपको मिल जाएगा। 1000 स्विच भी आपको इसमें मिल जाएंगे, लाइटिंग के स्विच भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे। ये देखिए आपकी हाई लाइट यहाँ पे शो हो रही है, अगर मैं नीचे करता हूँ तो इस तरह से, मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। डैशबोर्ड भी अच्छा बड़ा मुझे यहाँ पे विजिबल दिख रहा है। ये आपका लाइटिंग के स्विच दे रखे हैं, ये आपका रिवर्स मोड यहाँ दे रखा है। आपको 1000 स्विच भी मिलने वाला है, अगर आप 1000 स्विच ऑन करते हैं आपको चारों इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंक करते हैं। और रिवर्स का मोड का यहाँ पे फंक्शन आपको मिल जाता है डैशबोर्ड में। आपको देखेंगे फ्रंट में आपको यहाँ पे USB पॉइंट यहाँ थोड़ा नीचे दिया हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ बोतल वोटल रख सकते हैं, जगह अच्छी दी है, बोतल इसमें आराम से आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में भी आपको जगह देखी है मोबाइल रखने की। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको आगे काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है, अगर आप कुछ इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मैटिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। पीछे आपके यहाँ पे BLDC वाली हब मोटर फिट रहती है, और मोटर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 250 वाट की ही आने वाली है। बाकी इसमें काफी अच्छा पावर है, 15 डिग्री के चढ़ाव ये 2 पिलियन लेके आसानी से चढ़ जाता है। और पीछे आपका टायर जो मिलने वाला है वो 10 इंच का मिलने वाला है, वो भी आपको C8 का मिलने वाला है, जूम मिलने वाला है, ट्यूबलेस मिलने वाला है, सॉरी। और आपको यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलते हैं वो भी आपको स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिलते हैं, पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 पिलियन चलते हैं, सिंगल चलते हैं तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन भी काफी अच्छे हैं इसकी, टेस्ट साइड में एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा। वैसे हम हाईवे पे आए हुए हैं तो हाईवे पे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सस्पेंशन की। गाड़ी की लुकिंग भी काफी अच्छी है। टेस्ट साइड के लिए मैं आ चुका हूँ विकल्प को लेके, तो पहले हम टेस्ट साइड के लिए विकल्प को मैंने राइडिंग कम्फर्ट चेक करने के लिए चाबी ऑन करी है। साइड स्टैंड यहाँ लगी है तो साइड स्टैंड हटा लेते हैं, फिर अपन चलने के लिए तैयार होते हैं। मोड हम फर्स्ट लगा लेते हैं, इस वजह से मोड का कोई इशू है नहीं, नॉन RTO विकल्प है ये, तो हम चले आगे। लेग स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे, देखिए नॉन RTO है, बच्चों के हिसाब से बनाया है, तो आप इसमें ऐसी कोई स्पीड की अपेक्षा ना करें। अभी इसका मीटर थोड़ा धूप के कारण आपको मैं थोड़ा स्पष्ट दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा साइड में ले लेते हैं हमारी गाड़ी को।
और ये नॉन आरटीओ है तो 25 भी इसकी स्पीड जाती है। मैं एक इसका फील लेने आया था कि इसका पिकअप कैसा चलता है, आपको पता लग गया होगा पिकअप के बारे में। तो आपने इसका अंदाज तो लगा लिया होगा पिकअप का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ब्रेक एक बार चेक कर लेते हैं, तो वही आपको दोनों ब्रेक साथ में लेना है इसका। राइडिंग कम्फर्ट तो अच्छा है यार, 55,000 में अच्छा है। या बच्चों के लिए लेना चाहते हैं नॉन आरटीओ वाला, स्कूल जाने के लिए वगैरह कुछ का आपको यूज़ है तो अच्छा है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये एम के ई बाइक का है, ये एक्चुअली दिल्ली का है स्कूटर, पर ये फ़िलहाल हमारे आसपास मलाड़गढ़ में कहीं इसको मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से इसके स्पेयर पार्ट आते हैं और यहाँ पे। और फिलहाल इसका रिसेंटली हाल में अभी 1 मंथ हुआ है, इसका शोरूम चित्तौड़ शहर में आया है। शोरूम की लोकेशन मैं आपको लास्ट बता दूँगा। गाड़ी हैंडलिंग अच्छी है, मतलब मेरी हाइट 5.7 है, फिर मैं इसको कम्फर्ट चला रहा हूँ। ऐसा कुछ मुझे अटपटा लग नहीं रहा है मेरी लुकिंग के बारे में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ मुझे अटपटा सा यहाँ पर फील नहीं आ रहा। वापस से हम फटाफट चलते हैं जहाँ पर हमारा ये शूट हो रहा था वीडियो। आप इसमें मेरा लुकिंग का लगा सकते हैं अंदाज कि अगर आप फ्रंट से चलाते तो आपकी लुकिंग यहाँ पे किस तरह से रहती है, इस तरह से आप इसको यहाँ पे ड्राइव करते हैं। टेस्ट साइड तो मैं इसकी ले चुका हूँ, मतलब राइडिंग कंफर्ट भी अच्छा है। बच्चों के हिसाब से नॉन आरटीओ बनाया है तो काफ़ी अच्छा राइडिंग कम्फर्ट इसका आ रहा है। 55,000 में आपको यहाँ पे 5 बैटरी मिलती है। मैंने बनाया था वीडियो जिसमें आपको 4 बैटरी मिलती थी, उसकी प्राइसिंग शायद 48,000 थी, 7,000 थोड़ा सा ये महंगा है, पर आपको एक बैटरी इसमें भर जाती है, आगे कुछ लेग स्पेस बढ़ जाता है, थोड़ी गाड़ी का डायमेंशन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा 160 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने एनके बाइक का सबसे कम प्राइस का, एनके ई बाइक का सबसे कम प्राइस का नॉन आरटीओ इलेक्ट्रिक स्कूटर बताया है, जो कि मात्र 55,000 रुपये में एक बार फिर से हम करेंगे। सर्टिफिकेट मॉडल है, इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड है और 12 वाट की आपको 5 बैटरी इसमें मिलने वाली है। शोरूम के नंबर डिटेल यहाँ पर है, श्री श्याम के नाम से हमारा शोरूम है उदयपुर रोड में हीरा वाटिका के सामने। नंबर भी आपको दे रखे हैं, वीडियो के माध्यम से आप फोन लगाएंगे तो आपको ये 55,000 में ही मिलने वाला है। और आप चित्तौड़ शहर के आसपास से तो इंक्वायरी आप जरूर कर सकते हैं। यार हमने आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया, एक लाइक तो आप कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम जाए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ना करें वो आपके ऊपर, बाकी सब्सक्राइब तो आप जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से वीडियो, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।